हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट टू लेके आए हैं। ये नोट्स जो प्रिपेयर किया जाता है, ये एनसीईआरटी से पूरा पॉइंट रहता है, बाकी रेफरेंस बुक्स रहती हैं, कुछ स्पेशल नोट्स रहते हैं, इसलिए ये जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं ये नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्लास इलेवंथ के बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट में, लंग्स के बारे में पूरी स्टडी करते हैं कि लंग्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, इनके बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे कि लंग्स क्या है क्या नहीं है। डन। चैनल का नाम क्रिएटिव बायोलॉजी। नाउ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सबसे पहली बात, लंग्स के बारे में, लंग्स क्या होता है। लंग्स के बारे में पहला पॉइंट बोलेंगे, अ पेयर्स ऑफ लंग इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। अ पेयर्स ऑफ लंग इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, इट मीन्स इन आवर थोरेसिक कैविटी अ पेयर ऑफ लंग इज प्रेजेंट। लंग्स, टू लंग्स इन आवर थोरेसिक कैविटी इज प्रेजेंट, वन इज राइट लंग्स एंड अदर इज लेफ्ट लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स आर कवर्ड बाई ए डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि जो कवरिंग होती है लंग्स की उसको अपन बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन, मेनली प्लूरल मेम्ब्रेन्स। कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन्स। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस जो मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन के दो कवरिंग है, एक आउटर कवरिंग है, एक इनर कवरिंग है। इट मींस कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। आउटर को पेराइटल प्लूरा, इनर वाले को विसरल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो कैविटी प्रेजेंट, मान लो ये पेराइटल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा है, इन दोनों प्लूरा के बीच जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। इट मीन्स द कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन टू आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा इज नोन एज प्लूरल कैविटी। इन प्लूरल कैविटी प्लूरल फ्लूड इज प्रेजेंट, इन प्लूरल कैविटी प्लूरल फ्लूड इज प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी पूछ लेता है कि प्लूरल फ्लूड का फंक्शन क्या है, क्या आपको पता है इसके बारे में, क्या नहीं पता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो प्लूरल फ्लूड होती है इसका काम प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कोई हो सकता है बैक्टीरिया वायरस को, उसको किल करने का काम कर सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं। कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है या प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूड है, उसका काम है कि प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता, जर्क से बचाता, फ्रिक्शन से बचाता कि दोनों मेम्ब्रेन की लंग्स को कोई जर्क ना पहुंचे, कोई फ्रिक्शन ना ज़्यादा हो, उससे प्रोटेक्शन कौन करता है? प्लूरल फ्लूड करता है। इफ एनी इन्फेक्शन इन फ्लूड कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन, अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्लूरल फ्लूड उसमें कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है बाय द वे, तो उसको बोलते हैं अपन प्लूरल इफ्यूजन। डिस्निया, इसको बोलते हैं डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये मेन सिम्टम होता है लंग्स का, कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्निया हो सकती है। फिर एक बात और, आप थोड़ा डिटेल जाते हैं यहाँ पे कि जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर प्लूरल फ्लूड है, उसमें हमने देखा कि प्लूरल इफ्यूजन हो रहा था, कोई इन्फेक्शन हो रहा था, तो अगर यहाँ पे जो इन्फेक्शन उसको प्लूरल इफ्यूजन बोल दिया, अगर यही प्लूरल फ्लूड के अंदर कोई, मान लो कि कोई वाटर कंटेंट सब्सटेंस फिलअप हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर अगर उसमें फिलअप हो गया तो क्या बोलेंगे? ब्लड फिलअप हो गया तो क्या बोलेंगे? ब्लड अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर है तो क्या बोलेंगे? जैसे ब्लड अगर मान लें तो उसको बोलेंगे हीमोथोरेक्स। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड फिल्ड अप हो गया, देन वी कैन इजली से दैट इट इज हीमोथोरेक्स कंडीशन। डन। सेकेंड पॉइंट, अगर अपन बात करते हैं कि अगर वहां पे एयर फिलअप हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। ये हमारे पास कंडीशन, तो चीज आपको कम से कम पता रहना चाहिए। अगर नहीं भी आपको पता तो आपके लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे बस इतना हो कि कोई इन्फेक्शन अगर प्लूरल फ्लूड में हो रहा है उसको अपन प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखते हैं, डिस्कस करें, तो लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर, एक हमारे पास ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और अप्रॉक्सिमेटली 5 लेवल पे आके राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंकल प्रिंसिपल ब्रोंकस में
चेंज हो जाती है, मतलब डाइवर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डन सॉरी देन अपन ये देखते हैं कि जो ट्रेकिया होती है इसके अंदर 16 टू 20 कितने, इस ट्रेकिया के अंदर हमारे करीब 16 से लेकर के 20 सी सेव डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है जो इसके इलास्टिक नेचर को मेंटेन करती है या कैसे तो कोलैप्स होने से बचाती ट्रेकिया को। फिर बात करते हैं कि ये T5, तो मैंने बता दिया कि T5 लेवल थोरेसिक वर्टिब्रे लेवल पे आके डिवाइड कर रही है, ठीक है ये पॉइंट आपको पता चल गया। फिर हम देखते हैं कि लंग्स की एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स है, एक राइट लंग्स है, एक लेफ्ट लंग्स है। जो राइट लंग्स हमारे पास प्रेजेंट है, इट इन राइट लंग्स देयर आर थ्री लोब्स प्रेजेंट, थ्री लोब्स आर फॉर्म्ड विथ टू फीसर्स, कितने फीसर्स है, एक फीसर का नाम है हॉरिजॉन्टल फीसर्स, एक है ऑब्लिक फीसर। जो हॉरिजॉन्टल फीसर होता है ये अपर लोब और मिडिल लोब का फॉर्मेशन करता है, जो हॉरिजॉन्टल फीसर होता है ये अपर लोब और मिडिल लोब का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो हमारे पास ऑब्लिक फीसर प्रेजेंट है दैट क्रिएट टू लोब, लोअर लोब एंड मिडिल लोब। इट मींस द फीसर प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड मिडिल लोब इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फीसर एंड द फीसर प्रेजेंट बिटवीन मिडिल एंड लोअर लोब इज नोन एज ऑब्लिक फीसर। नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट लंग्स के बारे में अगर बात करेंगे तो इन लेफ्ट लंग ओनली वन ऑब्लिक फीसर इज प्रेजेंट, इन लेफ्ट लंग्स ओनली वन ऑब्लिक फीसर इज प्रेजेंट, वन ऑब्लिक फीसर डिवाइड लेफ्ट लंग इंटू अपर लोब एंड लोअर लोब। इन इट मीन्स इजिली वी कैन अंडरस्टैंड कि इन राइट लंग्स थ्री लोब्स प्रेजेंट एंड टू फीसर प्रेजेंट, बट इन लेफ्ट लंग वन फीसर प्रेजेंट दैट डिवाइड इंटू टू लोब्स अपर और लोअर लोब। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट लंग्स का जो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 625 ग्राम, ये अप्रॉक्साइड नॉट एग्जैक्ट रेंज, अगर आप लेना चाहें तो उसको बोल सकते हैं कि 500 टू 550 600 के अप्रॉक्स ले सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं आपके लेवल पर कि 625 ग्राम्स बोल सकते हैं अपन। फिर बात करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट लंग है इसका अप्रॉक्सीमेटली 575 ग्राम या 400 टू 550 अप्रॉक्स रेंज लेंगे, एवरेज 12th लेवल पर देखेंगे हमको तो देन अपने को पता होना चाहिए कि 575 ग्राम्स प्रेजेंट होता है, ये लेफ्ट लंग्स का वेट है, ठीक है। लंग्स के नीचे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका नाम डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका नाम है डायफ्राम, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्पायरेशन यही हमारा डायफ्राम मेनली हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा कि रिस्पायरेशन में हेल्प कौन करते हैं तो अपन बताएं कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, कौन कौन, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल मेनली हेल्प इन रिस्पायरेशन। इन लेफ्ट लंग देयर इज ए नॉच प्रेजेंट, दैट इज कार्डियक नॉच इन विच हार्ट इज प्रेजेंट, इन कार्डियक नॉच हार्ट इज प्रेजेंट एज अ प्लेस ऑफ मिडिल लोब इन लेफ्ट लंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिस इज लिंगुला, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लिंगुला, बट इन योर सिलेबस इट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इट इज स्टडी इन MBBS की लिंगुला क्या होता है, क्या क्राइटेरियाज है, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखना, बस ये पता करना कि लोब्स कितने कितने वेट हो सकते हैं। ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया का जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपसे 16 से 20 रिंग्स प्रेजेंट डॉर्सली सी से होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, ये नीट में सवाल आ चुका है, इसलिए आपको इस पॉइंट को अच्छे से कवर करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी में एक कंडीशन होता है ग्लॉटिस, एक कंडीशन है, टर्म है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय फ्लैट इलास्टिक कार्टिलेज दैट इज नोन एज EP ग्लॉटिस, इट मींस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस एंड कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस इज नोन एज EP ग्लॉटिस, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है मैडम, डन। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें अपन कि लैरिंग्स क्या होते हैं, लैरिंग्स के बारे में अगर पता करना हो तो बोलेंगे वॉइस प्रोड्यूसिंग आर्गन, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज वॉइस प्रोड्यूसिंग आर्गन या साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज वॉइस प्रोड्यूसिंग आर्गन है या अपन बोलेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज बॉक्स, ये डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं उनके बॉक्स से बनी होती है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं।
अगर आपको यहाँ पे देखना है इस लेवल पे, ट्वेल्थ के लेवल पे, इलेवंथ के लेवल पे कि लैरिंग्स किसका बना होता है, तो अपन कहेंगे एक थायराइड कॉटलेज होता है, क्रिक्वाइड इंपॉर्टेंट पॉइंट को पता होना चाहिए, एक थायराइड कॉटलेज होता है, क्रिक्वाइड कॉटलेज होता है और अरिटिडोइड कॉटलेज होता है, कॉटलेज ऑफ सेंटोरिनी होती है। देखिए ये हमारे चार कार्टिलेज हैं, जो हमने चार आपको बता दिया कि चार कार्टिलेज कौन कौन से हैं, इनके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट कम से कम पता रहना चाहिए। थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं, ये अनपेयर होती है, क्रिक्वाइड भी अनपेयर होती है, जबकि अरिटिडोइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी ये बोथ आर पेयर इन स्ट्रक्चर एंड बोथ आर अनपेयर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं, जो ये सी शेप होती है, थायराइड कॉटलेज हमारे पास जो सी शेप होती है, जबकि ये सिग्नेट रिंग से, क्रिक्वाइड कॉटलेज सिग्नेट रिंग से होती है, ये पिरामिड होती है, कौन अरिटिडोइड कॉटलेज और नोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी का ये स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, कौन कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, जबकि थायराइड कॉटलेज होता है ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है थायराइड कॉटलेज। ठीक है, इतनी पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अपने कहा जाता है इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट, इन लैरिंग्स टू पेयर्स ऑफ वोकल कार्ड प्रेजेंट, इन लैरिंग्स टू पेयर्स ऑफ वोकल कार्ड प्रेजेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता रहा है दोनों पॉइंट के बारे में। लैरिंग्स के अंदर हमारे पास दो ओकल कॉर्ड प्रेजेंट, ओकल कॉर्ड ही मेनली फोनेशन में हेल्प करते हैं वॉइस प्रोडक्शन में, एक होता है एंटीरियर ओकल कॉर्ड, दूसरा होता है पोस्टीरियर ओकल कॉर्ड। एंटीरियर ओकल कॉर्ड जो होता है इसको कहते हैं फॉल्स ओकल कॉर्ड, जो एंटीरियर ओकल कॉर्ड होता है इसको कहते हैं फॉल्स ओकल कॉर्ड। क्यों कहते हैं फॉल्स ओकल कॉर्ड, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोवाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू ट्रू ओकल कॉर्ड, जो ट्रू ओकल कॉर्ड उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, खुद ही एंटीरियर फोनेशन नहीं करता, डू नॉट हेल्प इन फोनेशन, फोनेशन हेल्प नहीं करता, बल्कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वॉइस प्रोडक्शन के लिए, जबकि पोस्टीरियर पेयर जो होता है या उसको हम कहते हैं ट्रू ओकल कार्ड, जो पोस्टीरियर पेयर होता है उसको कहते हैं ट्रू ओकल कार्ड। इनके बारे में एक पॉइंट देखना होगा कि इसको कहते हैं येलो फाइब्रस कनेक्ट टिश्यू का बना होता है, किसका येलो फाइब्रस कनेक्ट टिश्यू का बना है, कवरिंग होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये मेनली हेल्प इन फोनेशन साउंड प्रोडक्शन। अगर आपको नीट में सवाल आ जाए कि साउंड के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि जो पोस्टीरियर ओकल कॉर्ड होता है ये हमारे साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि एंटीरियर वाला खुद नहीं हेल्प करता बल्कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और एंटीरियर पोस्टीरियर ओकल कॉर्ड को फोनेशन में हेल्प करता है। डन, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें बचा ट्रैकिया के बारे में, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, ट्रैकिया 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है, ट्रेकिया इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंडेड होती है। नेक्स्ट, ट्रेकिया में मैंने आपको पहले बताया कि 16 टू 20 सी शेप डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया, 16 टू 20 सी शेप डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग्स आर प्रेजेंट, क्यों है, बिकॉज द रिंग्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया, इफ रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन ट्रेकिया देन देयर आर मेनी चांसेस ऑफ ट्रेकिया में कोलैप्स, सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स इन ट्रेकिया डॉर्सली इनकम्प्लीट 16 टू 20 सी से रिंग प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन स्किन सरफेस एरिया 16 मीटर स्क्वायर है, बट सर्फेस एरिया ऑफ इनर ऑफ लंग्स की बात करते 70 to 100 मीटर स्क्वायर है, इन आरबीसी मसल्स एनरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके दिमाग पे एक सवाल आना चाहिए अगर आपसे ये पूछा सकता है कि हम बहुत सारे लोग होते हैं कि बॉडी सर्फेस एरिया से अपना रिस्पायरेशन करते हैं, हम अपने बॉडी सर्फेस एरिया से रिस्पायरेशन क्यों नहीं कर सकते, दिस इज पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि हम अपने बॉडी सरफेस एरिया स्किन से रिस्पायरेशन क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर ये है कि हमको रिस्पायरेशन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसलिए जो हमारे स्किन का सरफेस एरिया होता है वल्ली 16 मीटर स्क्वायर है, जबकि लंग्स का जो सरफेस एरिया है सरफेस का 70 to 100 मीटर स्क्वायर है। तो ड्यू टू मोर सरफेस एरिया ऑफ लंग्स द रिस्पायरेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बींग्स और इट मोस्ट ऑफ द मैमल्स। थैंक यू वेरी मच।
वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।